आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर आपका ये आपके यहाँ पर मैग्नेट होती है इसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है और एक आयरन कोर होती है जिसके ऊपर इस तरह से एक कॉयल अप होती है और यहाँ पर दो स्प्रिंग होती है इनको टॉर्शनल स्प्रिंग बोलते हैं इनसे अटैच होता है इसका एक्सिस जो आपका कोर का होता है और एक्सेस से ही हमारा ये पॉइंटर होता है और यहाँ पर आपका स्केल होता है रीडिंग स्केल यानी कि इसमें करंट फ्लो होता है करंट फ्लो होने से आपका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क लगाता है टॉर्क की वजह से इसमें रोटेशन आता है रोटेशन आने की वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन आता है और जैसे ही करंट इसमें ज़ीरो होता है तो क्या होता है कि स्प्रिंग में क्या होता है ये रोटेट होती है तो इसमें जैसे ही करंट ज़ीरो होता है तो ये टॉर्क ज़ीरो हो जाता है और ये स्प्रिंग वापस उसको नॉर्मल पोजीशन पर ले आती है तो यानी कि जो स्प्रिंग होती है इनमें रीस्टोरिंग टॉर्क लगाती है यहाँ पर तो ये कैसे होते हैं जैसे ये रोटेट होगा तो स्प्रिंग यहाँ पर रैप अप हो जाती है और जैसे ही करंट ज़ीरो होता है तो इसका टॉर्क जीरो हो जाता है तो वापस ये अपनी कोई नॉर्मल पोजिशन पर आ जाता तो है तो देखिए हम टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड को ले सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इन क्रॉस बी एम क्रॉस बी मैग्नेटिक मोमेंट को हमने लिखा था एन इंटू आई इंटू ए यहाँ पर एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स आई होगा करंट इन द दॉल ए विल बी द एरिया ऑफ द कॉल एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को आप एन इंटू आई इंटू ए क्रॉस बी लिख सकते हैं तो चूंकि यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया रेडियल डायरेक्शन में होता है कुछ इस तरह से तो जो भी हमेशा इसके परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट जो भी होगा वो कॉन्स्टेंट होगा तो ये टॉर्क आपका एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी आ जाता है आप ये इसका साइड व्यू देख सकते हैं साइड व्यू कुछ ऐसा होता है तो इनका शेप जो आप जो है ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट जैसे ही रिंग ये आपकी कॉयल रोटेट हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज ना हो यानी कि टॉर्क चेंज ना हो तो हम रीस्टोरिंग टॉर्क को ड्यू टू द स्प्रिंग वी कैन राइट रीस्टोरिंग टॉर्क बाय द टॉर्सनल स्प्रिंग टॉर्क इक्वल्स टू के इनटू थीटा यानी कि जितना ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन आएगा या रोटेशन आएगा उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा यानी कि दिस इज कॉल्ड टॉर्सनल कॉन्स्टेंट के इंटू थी, थीटा होता है जितना ज्यादा थीटा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क होगा तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे जब ये एक पॉइंट पर आकर स्टेबल हो जाएगा तो यानी कि टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग दोनों सेम होंगे वहां पर इक्लिब्रियम में होगा तो हम वी कैन राइट एन आई यानी कि टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्क ड्यू टू रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग आर इक्वल हम इसको रखेंगे एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी इक्वल टू के थीटर तो यहां पर आप देखेंगे टॉर्क ड्यू टू बी रिमेन सेम ड्यू टू द शेप ऑफ द मैग्नेट अब यहां पर आप I को अगर एल में रखते हैं और K अपॉन एन ए बी आर एच एस में आ जाता है एन टू थीटा विल सी दैट आई इज प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन थीटा इज द डिफ्लेक्शन तो जितना जितना आई इंक्रीज करोगे उतना ही एंगल इंक्रीज होगा यानी कि आपका पॉइंटर इस तरह से मूव करता जाएगा तो so, जैसे ही आई इंक्रीज करोगे और ये आप देखेंगे यहाँ पर लीनियर स्केल होता है तो जैसे जैसे आपका आई इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसकी रीडिंग भी इंक्रीज होगी और ये स्केल पर हमें रीडिंग देता है दूसरा k अपॉन एन ए के क्या है टॉस्टनल कॉन्स्टेंट एन इज द नंबर ऑफ रोटेशन ए इज द एरिया एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं गेल्बोनोमीटर कॉन्स्टेंट गेल्बोनोमीटर कॉन्स्टेंट बोला जाता है दूसरा होता है थीटा अपॉन डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को बोलते हैं हम करंट सेंसिटिविटी और वो कितना होता है एन इंटू ए इंटू बी बाई के अब अगर हमें गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है यानी कि पर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट जो देना है वो इंक्रीज करना है तो वट वी डू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि ये जो कॉयल है हमारी सर्कुलर कॉल सर्कुलर इसको कोर बोलते हैं इसके ऊपर जो बनी हुई है इसमें नंबर ऑफ टर्न अगर आप सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करें तो आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट आता है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे ओम स्लॉ का यूज करेंगे आई इक्वल टू वी बाई आर हमको पता है थीटा बाई आई थीटा बाई आई इज द करंट सेंसिटिविटी विच कैन बी रिटेन आई को आप क्या लिख देंगे वी बाई आर तो थीटा बाई आई को यू कैन राइट थीटा बाई वी इंटू आर और थीटा आई आई अपने को पता है एन इन्टु ए इन्टु बी बाई के। ये करंट थी हमारी इसको हम लिख सकते हैं थीटा भाई वी आर तो हमारा यहाँ से थीटा थी वी आ जाएगा एन ए बी बाई के आर आपको पता था एन नंबर ऑफ टर्न्स था ए एरिया बी मैग्नेटिक फील्ड और के यहाँ पर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द

बट नॉट द वोल्टेज सेंसिविटी नंबर ऑफ टर्न में वोल्टेज सेंसिटिविटी यहां पर आएगा वोल्टेजी हमने बोला था नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करने से करंट सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है बट वोल्टेज सेंसिटिटी इंक्रीज नहीं होती है यहां पर हम ये हमने पहले भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख रखा था इसको इस टॉपिक को हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं

स्मॉल शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है ताकि आप एमीटर को जब भी सर्किट में कनेक्ट करें यानी कि एमीटर को जब भी भी सर्किट में कनेक्ट करें तो वहां पर करंट में सिग्निफिकेंट चेंज ना हो इस टोटल का रेजिस्टेंस आप देखेंगे अगर इसका रेजिस्टेंस आर जी है और ये एस है तो टोटल रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं आई जी आर जी बाई सॉरी सन्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस आर ए जो आएगा आपका टोटल इसका एमीटर का रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी दैटक्स टू शंट रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस ये काफी स्मॉल होता है यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं देखो इसके थ्रू जो वोल्टेज होगा वो इसके थ्रू वोल्टेज होगा तो वी कैन राइट आई जी इंटू आर जी इक्वस टू आई माइनस आई जी जो की करंट शंट के थ्रू है इंटू एस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों को इक्वेट करेंगे और यहां से शंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि आपके पास शंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आई जी इंटू आर जी आर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वनोमीटर बाई आई माइनस आई जी आई क्या है यहां पर आई है मैक्सिमम करंट थ्रू एमीटर जो भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर जो करंट एमीटर मेजर कर सकता है और आई जी क्या है आई जी इज द मैक्सिमम करंट आई जी इज द मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वनोमीटर एंड आई इज द मैक्सिमम करंट थ्रू एमीटर आपको एमीटर बनाना है यानी कि आई इसकी रेंज हो जाएगी मैक्सिमम रेंज आई का बनाना है While आपके पास गैल्वेनोमीटर है आईजी रेंज का तो इस तरह से आपको ये शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा सो दैट यू कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर विच हैज द रेंज आई जी टू एमीटर विच हैज द रेंज ऑफ आई यानी कि अगर आपके पास मिली एम्पियर आई जी है और उसको एम्पियर की वैल्यू में चेंज करना है एमीटर में तो आप आई की जगह एमीटर एम्पियर में रखेंगे और आईजी की जगह मिली एम्पियर में रखेंगे यू विल गेट

तो एक्चुअल में ये होगा लेकिन इसको अप्रॉक्स देखेंगे तो एस बाई आर जी टेंस टू जीरो क्योंकि एस आर जी के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो यहां पर आपको रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर विल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट सो बिकॉज द आर जी इज मच ग्रेटर देन आर एस अब इसको सर्किट में कैसे लगाते हैं यहां पर आपका सर्किट होता है तो उसमें इस तरह से एमीटर को हम लगाते हैं ये हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं तो ये आपका जो एमीटर है उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है गैल्वेनोमीटर लगा होता है और उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा होता है लाइक like यहाँ से अगर टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है दिस इज द करंट इन द सर्किट जिसमें से आई करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा और आई माइनस आई करंट शंट रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द होल एमीटर विल बी आर ए आर ए विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एस तो आप देखेंगे पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस आर प्राइम विल भी आर प्लस आर ए ए मीटर का रेजिस्टेंस आएगा और ये बहुत छोटा होना चाहिए सो so दैट जिस करंट को आप मेजर कर रहे हो उसमें सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए यानी कि अगर आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सर्किट में लगा रहे हैं उसकी वजह से चेंज बहुत मेजर नहीं होना चाहिए अदरवाइज आपकी रीडिंग में एरर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हुआ दूसरा हम वोल्ट मीटर को फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं वोल्ट मीटर हम ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं वोल्ट मीटर में क्या होता है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक लार्ज रेजिस्टेंस लगा जा 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 है दिस इज एज द हाई रेजिस्टेंस वैल्यू एंड इज कनेक्टेड वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल ये आपका वोल्ट मीटर होता है तो यहां पर गैल्वेनोमीटर को आपने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि पोटेंशियल

हम देखेंगे आइडियल गैल्बोनोमीटर में इसका रेजिस्टेंस जीरो ले सकते हैं बात करें हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर की यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे टोटल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का क्या होगा आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्बोनोमीटर बट ये आर इज मच मच ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्बनोमीटर तो ये आर वी यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर विल अप्रॉक्स भीटर इन सीरीज जो भी आप हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे उसके ऑलमोस्ट उसके इक्वल ही आपका रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर आएगा नेक्स्ट उसको अटैच किया जाता है पैरेलल में अगर इसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होगा एक, होगा, जिसके आपने एक लगाया हुआ है. तो यहां पर बहुत ही होगा, सिर्फ पर आईजी करंट यहाँ से फ्लो होगा मैक्सिमम आईजी करंट यहाँ से जा सकता है रिमेनिंग आई माइनस आई जी करंट विल इन द सर्किट और आई जी टेंस टू जीरो अगर आइडियल है तो आई जी टेंस टू जीरो होगा और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर टेंस टू इंफिनिटी होगा अगर आइडियल है तो नेक्स्ट हम इसी पर बेस्ड कुछ questions देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है यानी कि थीटा को डिवीजन के टर्म्स में दे रखा है थीटा बाई आई दे रखा है दिस इज फाइव डिवीजन पर मिली एम्पियर अच्छा एंड इट्स वोल्टेज सेंसिविटी पर यूनिट वोल्टेज आपको थीटा बाई वी दे रखा है दैट इज ट्वेंटी डिवीजन पर वोल्टमीटर ओके द रजिस्टेंस ऑफ द गैल्पोनोमीटर तो हम यहां पर आप लिख सकते हैं कि योर आई इक्वल टू वी बाई आर वी बाई आर कर सकते हैं तो अगर आप देखें यू कैन राइट थीटा बाई आई इसको अगर आप आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी आर की वैल्यू होगी थीटा बाई आई डिवाइड बाई थीटा बाई वी सो दिस इज फाइव डिवीजन पर मिली एम्पियर यानी कि टेन पावर माइनस थ्री एम्पियर एंड थीटा इज ट्वेंटी डिवीजन पर वोल्ट यह आ जाएगा आप देखेंगे यहां से इट विल बी आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बी लाइक टेन पावर थ्री बाई फोर ओम क्योंकि वोल्ट पर एम्पियर आएगा ओम दिस विल बी थाउजेंड बाई फोर ओम यानी कि इसकी वैल्यू आपको

आप देखेंगे कि ये एक वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है तो यानी कि इसके थ्रू यानी कि इसके अक्रॉस एक वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा वोल्टेज डिफरेंस आ सकता है 25 फाइव तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज आएगा 25 फाइव तो हम बोल सकते हैं आई माइनस आई जी इंटू एस आपका जो शंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आई इंटू आर ये रेजिस्टेंस आपको क्या देगा एक वोल्टेज दे देगा आई इंटू आर

और V की वैल्यू कितनी है 25 फाइव मिली वोल्ट और आपका पास करंट की वैल्यू है 25 फाइव तो आप यहाँ से आपके पास आ जाएगा मिली ओम वन मिली ओम के इक्वल आ जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो आपका आंसर हो जाएगा ए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पर पूछा हुआ है अ गल्बनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी शंटेड बाई रेजिस्टेंस एस

यानी कि प्रीवियसली आपके पास सिर्फ गैल्ब्रो था आपने शंट लगाया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ और उसको इंक्रीज करने के लिए यानी कि कंपेंसेट करने के लिए आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा एस जी अपॉन एस प्लस जी उसको हमने सीरीज के साथ आर से जोड़ दिया है तो नेट इस पूरे का सिस्टम का रेजिस्टेंस अगेन जी आ रहा है आप जी आ रहा है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा g r और इसको मल्टीप्लाई करोगे s g से तो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा g2 g, square upon g plus s और आपका आंसर हो जाएगा d यानी कि g2 s plus g नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 150 इक्वल डिवीजन 150 इक्वल डिवीजन दे रखे हैं आपको करंट सेंसिटिविटी दे रखी है यानी कि थीटा तो यहां पर थीटा टेन डिवीजन टेन डिवीजन पर मिली एम्पियर पर मिली एम्पियर दे रखी है एंड वोल्टेज यानी कि थीटा-डेश डिवीजन पर यूनिट आप लिख सकते हो वोल्टेज विच इज टू डिवीजन पर मिली वोल्ट ये कर सकते हैं इन ऑर्डर दैट ईच डिवीजन रीड्स वन वोल्टेज द रेजिस्टेंस इन ओम नीडेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद तो यहाँ पर हम चाहते हैं आप देखेंगे वोल्टेज सेंसिविटी वोल्टेज सेंसिविटी आपकी आई है यानी कि यू कैन से दैट थीटा बाई आई टू थी बाई वी इन टू आर तो यहां पर हम लिख सकते हैं थीटा बाई आई यानी कि करंट सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी टू वोल्टेज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर तो जो भी हमें रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा तो यहां पर ये दिया हुआ डिवीजन पर मिली एम्पियर एंड दिस इज टू डिवीजन पर मिली वोल्ट तो यहां पर आप इसको कैलकुलेट करें यानी कि आप कैलकुलेट करेंगे दिस इज टेन टेन बाई टू टेन बाई टू विच इज इक्व टू टेन बाई टू एंड मिली वोल्ट ओवर मिली एम्पियर और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी एंड विच विल कम आउट टू बी फाइव ये आपका इनिशियल आपका रेजिस्टेंस होगा बट यू नीड आप चाहते हो इसकी सेंसिविटी वन डिवीजन पर वोल्ट यानी कि आपको यहाँ पर कुछ आर प्राइम रेजिस्टेंस लगाना होगा ताकि आपकी टेन डिवीजन पर मिली एम्पियर एल्बेनोमीटर को आप कन्वर्ट कर पाए वन डिवीजन पर वोल्ट सेंसिविटी में तो यहाँ पर हम आर प्राइम निकालेंगे ये मिली एम्पियर है इसको आप डिवाइड करेंगे यू विल डू लाइक वोल्ट टू वोल्टन मिली एम्पियर इसको आप कैलकुलेट करेंगे ये टेन थाउजेंड आ जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना लगाना होगा यानी कि आर प्राइम माइनस आर विच विल बी नाइन 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 फाइव कि दिस इज नाइनटी उजेंड नाइन हंड्रेड नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी फाइव ये आपकी वैल्यू होगी आपका क्वेश्चन हो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है यहां पर हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का यूज किया गया है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में बच्चों क्या होता है इस सर्किट में एक गैलोमीटर लगाया हुआ है ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है हाई रेजिस्टेंस में पहले आप यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर जो भी गैल्वनोमीटर की डिफ्लेक्शन आती है उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा दिया तो गैल्वनोमीटर की डिफ्लेक्शन हाफ हो जाती है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है r1 इज 9970 r2 इज 30 एंड r3 इज 0 इनिशियली यानी कि यहाँ पर जीरो रेजिस्टेंस है बाद में इसको r3 को आप 107 w यानी कि आप ओम होना चाहिए से रिप्लेस किया गया है तो आपका डिफ्लेक्शन यानी कि हाफ आ गया पहले डी था और अब डी वाई टू यानी कि हाफ डिफ्लेक्शन हो गया तो आप देख सकते हैं ये कुछ टेन थाउजेंड की रेंज में रेजिस्टेंस है तो यहां पर रेजिस्टेंस चेंज करने से यहाँ पर करंट की वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो तो आप इस सर्किट में देखेंगे कि पहले करंट आई जी तो हम आई जी को देख सकते हैं कि आई जी जो भी करंट होगा वो टोटल करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस डिवाइड होगा यानी कि ये r2 है और ये g है तो हम बोल सकते हैं दिस इज r2 ओवर r2 g टोटल करंट i नेक्स्ट में हमारा क्या होगा कि डिफ्लेक्शन हमारा आधा हो गया यानी कि ig के थ्रू करंट हमारा हाफ हो गया है इस केस में हम क्या बोलेंगे r2 और यहां पर रेजिस्टेंस g r3 हो जाएगा दिस इज r2 plus g plus r3 टू आई अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा टू इक्व टू टू हमें मिलेगा. आप को डिवाइड plus plus ये मिल आपको आई से i डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा टू टाइम्स आर टू प्लस जी इक्वस टू आर टू प्लस जी प्लस R3. तो यहाँ पर आप देखिएगा प्लस, प्लस यानी कि आर थ्री की वैल्यू आपके पास आर टू प्लस जी आने वाली है तो जी की वैल्यू आपके पास जी की वैल्यू आएगी आर थ्री माइनस आर टू और आर थ्री की वैल्यू आपको वन जीरो सेवन दे रखी है आर टू की वैल्यू थर्टी दे रखी है यानी कि ये हो जाएगा आपका 77 सेवन तो जी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 77 सेवन आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर से करना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड पर है क्वेश्चन में दे रखे हैं ए बी सी डी आर आर फोर डायग्राम इज रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ गैल्बनोमीटर जी रेजिस्टेंस जी द करेक्ट सर्किट फॉर करस्पॉन्ड टू हाफ डिफ्लेक्शन मेथड फॉर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस एन फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्बोनोमीटर इज सर्किट लेबल्ड एज यानी कि यहां से हमें एक सर्किट बताना है कि कौन सा होगा और जी की वैल्यू कौन सी होगी तो आप देखो सर्किट में हमें जी के पैरल एक किया जाता है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में एक रेजिस्टेंस बहुत हाई लगाया जाता है तो पहले आर प्लस जी के थ्रू करंट जाता है और फिर क्या करते हैं उसके अक्रॉस शंट लगा देते हैं शंट लगाने से क्या होता है कि यहाँ का रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है तो आधा करंट इसके थ्रू चला जाता है तो इसका डिफ्लेक्शन हाफ आ जाता है उसके थ्रू हम जी की वैल्यू निकालते हैं तो यहां पर करेक्ट सर्किट डी है और जी की वैल्यू कैलकुलेट किस तरह से करते हैं आप देखिए तो पहले अगर आप लिखना चाहें यानी कि की वैल्यू I, I क्या होगी चाहेंगे ई एम एफ आई जी जो भी होगा करंट थ्रू आई जी विल बी इक्वल टू टोटल ई एम एफ अपॉन आर प्लस जी ये सर्किट का आपका रेजिस्टेंस होगा सेकेंड में ई जी की वैल्यू टू हो गई है आप आई जी की वैल्यू हाफ हो गई है तो अब आप देख सकते हैं जी के थ्रू कितना करंट जाएगा तो पहले हम टोटल करंट निकालते हैं टोटल करंट का हम बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस यानी कि एस ओवर एस प्लस जी आपको पता है जब भी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस करंट डिवाइड होता है दोनों आ, ब्रांचेज में तो यहां पर आई जी के थ्रू जो करंट जाएगा वो एस अपॉन एस प्लस जी जाएगा और वो करंट इनिशियल करंट का हाफ होगा अब इस करंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे अब ये आई की वैल्यू हमें निकालनी है और आई कैन बी रिटेन एज आई को हम बोल सकते हैं ई एम एफ अपॉन टोटल रजिस्टेंस अब टोटल रजिस्टेंस को हम बोल सकते हैं आर प्लस और इसका जो भी रजिस्टेंस होगा उसको हम आर इक्विलेंट ले रहे हैं फॉर द टाइम वी आर कैलकुलेटिंग इज आर इक्वलेंट और आर इक्विल की वैल्यू हम बाद में सबस्टिट्यूट करेंगे वो होगी एस जी ओवर एस प्लस जी ये देखेंगे अब आप वन बाई वन आप इसको कैलकुलेट करते हैं यानी कि आई जी की वैल्यू आपकी ई एम एफ ओवर आर प्लस जी हो गई है और आपके पास आई जी बाई टू आई जी बाई टू हो जाएगा एस अपॉन एस प्लस जी इन आई की वैल्यू है आपके पास दैट ई अपॉन आर प्लस आर इक्विलेंट इक्विलेंट ये होगी आर की बाद में substitute. अब इन दोनों का अगर हम डिवीजन करें इन दोनों का डिवीजन करें तो आपको वैल्यू मिलेगी टू इक्वल टू एस प्लस जी ओवर आर प्लस आर जी आर इक्विलेंट सॉरी ई ई कट जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा एस इन आर प्लस जी आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आपको मिलेगा टू एस आर प्लस टू जी जी एस टू आप एस प्लस जी ये देखो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको आप वन बाई वन आर से मल्टीप्लाई करेंगे आर इक्वलेंट से तो आपको मिलेगा एस जी प्लस आर प्लस एस जी एस प्लस जी इन आर इक्वलेंट अब आप यहां से देखेंगे एस प्लस जी एस प्लस जी को आर इक्वलेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू एस जी मिल जाएगी यानी कि ये वैल्यू एस जी आने वाली है एस प्लस जी को आर इक्वलेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू एस जी आएगी आप इसको लिखेंगे, टू एस आर प्लस टू जी एस और यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे एस आर प्लस जी आर और ये वैल्यू एस जी आने वाली है एस जी से एक एस जी कट जाएगा एस आर से ये एक एस आर कटेगा तो आपके पास जी आर इक्वल टू जी एस प्लस एस आर आ गया अब आपको जी निकालना है तो यानी कि सेपरेट कर लेंगे ये हो जाएगा आपका आर एस इक्वल टू यहां पर हो जाएगा जी आर माइनस जी एस तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे जी की वैल्यू आर एस ओवर आर माइनस एस आई तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे बहुत ही अच्छी कैलकुलेन्स के साथ है तो इसको बच्चों ध्यान से देखें हाफ डिफ्लेक्शन मेथड आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन आते हैं जेई मेन्स जे, नीट में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन जेई मेंस में सिग्निफिकेंटली इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो जेई मेंस के बच्चे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखें बट नीट में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बस सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी तक बात होती है अगेन यहां पर हाफ डिफ्लेक्शन मेथड को डिफरेंट वे में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, method, battery, पर दिया हुआ है आपको आर की वैल्यू भी यहां पर गिवेन है आर इज इलेवन क्लो ओम अमेरिट गैल्वनोमीटर इज सिक्स माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन इन द एबसेंस ऑफ शंट द गलोमीटर प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन ऑफ नाइन डिविजन वेन द करंट फ्लोर

तो G की वैल्यू आप अगर पता करेंगे तो आप ऐसे ले सकते हो जी आर माइनस जी एस इक्व टू आर एस अगर आपको शंट निकालना है तो यानी कि जी आर ईक्व टू आर प्लस जी इंटू एस तो आप डायरेक्ट यहां से शंट निकाल सकते हैं जी आर ओवर जी प्लस आर इस तरह से इसी फॉर्मूले से आप ये निकाल सकते हैं। बट फर्स्ट यू नीड टू नो कि आपका जी कितना होगा और आपको वैल्यू सिर्फ आर की दे रखी है इलेवन के किलो बट आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जब शंट रेजिस्टेंस नहीं है यानी कि ये की ओपन है तो यहां पर जो करंट जा रहा है ये बोल रहे हैं सिक्स वोल्ट बैटरी है और यहां पर यानी कि आपका नाइन डिवीजन जा रहे हैं नाइन डिवीजन एक डिवीजन के लिए सिक्सटी एम्पियर आता है तो आई जी आई जी आपका कितना आएगा ई जी विल बी नाइन यह आएगा और Ig को हम क्या लिख सकते हैं Ig is emf battery over R plus G R plus G R plus G की value दे रखी है यानी कि R plus G की value हम निकाल सकते हैं R plus G की value होगी सिक्स over नाइन over सिक्सटी माइक्रो इससे आप G की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास वन बाई नाइन किलो ओम आएगी ये वैल्यू आएगी आपको R की वैल्यू पता है आप इसको माइक्रो एम्पियर से कन्वर्ट करेंगे और आपको G की वैल्यू वन बाई नाइन किलो ओम आएगी G की वैल्यू आने के बाद आप S की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे G की वैल्यू है वन बाई नाइन किलो ओम R की वैल्यू है इलेवन और यहां पर वन बाई नाइन प्लस इलेवन किलो ओम ये किलो ओम है So, किलो ओम को आप टेंट पावर थ्री थाउजेंड ओम लिख सकते हैं कैलकुलेट करेंगे तो एस की वैल्यू आपके पास वन वन जीरो ओम आ जाएगी तो आपका शंट की वैल्यू होगी वन वन जीरो बी ऑप्शन होगा This is अगेन बेस्ड ऑन द हाफ डिफ्लेक्शन मैथड बच्चों, इस क्वेश्चन में ये हाफ डिफ्लेक्शन मैथड से और एक स्टेप फॉरवर्ड गए हैं तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको हाफ डिफ्लेक्शन मेथड बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा तो आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से क्वेश्चन में दिया हुआ है गैल्वनोमीटर डिफ्लेक्शन वेन की की वन इज क्लोज बट की टू इज ओपन यानी की वन को आप क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ के थ्रू करंट जाएगा यहां पर एक्चुअली ये सर्किट नहीं होगा यानी कि इसके थ्रू जाएगा ये आपका नहीं होना चाहिए ये कुछ इस तरह से होना चाहिए डायग्राम में थोड़ा सा फ्लॉ है तो दिस इज नॉट नॉट हेयर यानी कि आप इसको दिस इज नॉट हेयर इसको आप कट कर दें तो पहले करंट इसके थ्रू जाएगा यानी कि आपने की वन को क्लोज किया है आपका जो डिफ्लेक्शन आया थीटा नॉट आया यानी कि इसको भी close कर रहे हैं, तो current इसके थ्रू और इसके थ्रू जाएगा। आर टू की वैल्यू फाइव है यानी कि half deflection में आप थीटा नॉट बाई टू कर रहे थे लेकिन एक स्टेप फॉरवर्ड उन्होंने किया टू चेक द बेसिक्स के थीटा नॉट बाई फाइव 2019 में पूछा गया है अगेन इट इज चेकिंग द कंसेप्चुअल कंसेप्ट फंडामेंटल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपको ये बेसिक से अगर आपको पता होगा हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में कैसे काम कर रहा है अदरवाइज आप फॉर्मूला के जाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है तो यहां पर पूछा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज देन तो अभी इसको आप बेसिक से करने पड़ेंगे तो क्योंकि आप कह सकते हो कि आई जी इज प्रपोर्शनल टू थीटा नॉट तो हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग में ये आईजी होगा और उसको हम अगेन ये करेंगे ई एम एफ अपॉन आर प्लस जी ये लिखेंगे दूसरी बार जब हम करेंगे वो होगा आई जी बाई फाइव क्योंकि थीटा नॉट फाइव है और इसमें जो रिपीट होगा यानी कि यहां पर जो करंट जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस जाएगा तो अगेन यू कैन राइट आर टू ओवर आर टू प्लस जी ये टोटल करंट का ये डिवीजन होगा अब टोटल करंट को हम लिख सकते हैं ई एम एफ ओवर आर वन प्लस आर इक्विलेंट ये आर इक्विलेंट क्या है यानी कि आर इक्विलेंट ये है आर इक्विलेंट को आप साइड से लिख सकते हैं आर इक्विलेंट इक्वल्स टू आर टू जी अपॉन आर टू प्लस जी यानी कि आर टू

तो आपने देखा यहां से आर टू जी प्लस आर इक्विल वैल्यू आर टू जी मिलने वाली है दिस इज आर टू जी आर टू आर वन आप कर सकते हो आर टू जी प्लस आर वन और यहां पर ये आर टू जी मिलने वाली है दिस इज फाइव टाइम्स आर वन प्लस जी इंटू आर टू आप यहां से ओपन करेंगे और ये आपके पास आर टू आर वन प्लस जी ये आ जाएगा और एक टर्म जी आर वन आ जाएगा यानी कि आपने आर टू को इससे मल्टीप्लाई किया तो आर वन आर टू आएगा जी आर वन आएगा और तो यहाँ पर आपका एल एच एस में है आपको फाइव टाइम्स आर वन जी इंटू आर टू तो ये फाइव टाइम्स है ये वन टाइम्स है यानी कि इसको अगर हम कैंसिल करें तो दिस विल बिकम फोर टाइम्स तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से हमें निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी की वैल्यू निकालनी है तो जी के लिए आप क्या करेंगे इसको आप लिखेंगे फोर आर वन आर टू और इसको आर एच एस में ले जाएंगे आर टू यानी कि जी टाइम्स आर वन माइनस फोर आर टू बेसिक से हमने किया है तो जी की वैल्यू आपके पास फाइनली जी की वैल्यू आने वाली है जी होगा आपका फोर आर वन आर टू आर वन आर टू टाइम्स यहां पर ये डिनोमिनेटर में आएगा यानी कि आर वन माइनस फोर आर टू ये वैल्यू आएगी आर वन आर टू पता है यानी कि ये फोर है आर वन की वैल्यू आपको टू ट्वेंटी दे रखी है सॉरी आर वन इज गिवेन एज यस टू ट्वेंटी आर टू की वैल्यू आपको फाइव दे रखी है और यहां पर दे रखी है टू ट्वेंटी माइनस फोर टाइम्स फोर टाइम्स होगा और ये टू हंड्रेड है तो आप इसको देखेंगे टाइम्स आएगा 0, 0, इसको कैंसिल कैंसिल करेंगे 0, 0 हो जाएगी ये आपका पूरा कैलकुलेट करके ट्वेंटी टू ओम आएगा तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो ट्वेंटी टू ओम होगा बच्चों आप इसको एक बार और रिपीट करके देखें कि किस तरह से हमने कैलकुलेशन की है आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया यानी कि आपको हाफ डिफ्लेक्शन मेथड तो ये जरूरी नहीं है हाफ डिफ्लेक्शन पूछे यहां पर वन बाई फिफ्थ डिफ्लेक्शन पूछा हुआ है दिस इज वेरी फंडामेंटल अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वन बाई थ्री वन बाई टू जो भी कैलकुलेशन है यू कैन डू वेरी इजिली